नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। वक्त हो गया है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों का। शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना के मुद्दे पर शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन की तैयारियों को लेकर विस्तार से अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने कहा है कि कुछ ही हफ्तों में कोरोना वैक्सीन तैयार हो जाएगी। पहला टीका बीमार बुजुर्गों और हेल्थ वर्कर्स को लगाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ी और खुशखबरी दी है, क्योंकि देश के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन का सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार था। आपको बता दें, एक हफ्ते से वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री काफी सक्रिय हैं। 28 नवंबर को वह पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट, अहमदाबाद के जायडस बायोटेक पार्क और हैदराबाद में भारत बायोटेक फैसिलिटी का दौरा और तैयारियों का जायजा भी लिया था। वहीं बड़ी अपडेट आपको दे दें, एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में वैक्सीन तैयार हो जाएगी। वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलते ही भारत में वैक्सीनेशन शुरू कर दिया जाएगा। वैक्सीन आते ही सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर और पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बुजुर्गों को दी जाएगी। प्रदेश की एक और बड़ी खबर आपको दे दे, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक और बड़ा फैसला लिया है। डीबी गुप्ता को राज्य का नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार नारायण बाराहट और शीतल धनखंड को नए सूचना आयुक्त बनाया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बनी कमेटी की बैठक में यह सहमति बनी थी। गुलाब चंद कटारिया और शांति धारीवाल भी इस बैठक में मौजूद थे। प्रदेश की एक और बड़ी खबर हनुमानगढ़ जिले से आ रही है। गांव जाखड़वाली के चकचह बीएचएम धोरेवाला में गुरुवार रात को एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। गुरुवार की रात शॉर्ट सर्किट से मकान में आग लग गई। मकान के एक कमरे में एक महिला अपने दो बच्चों के साथ सोई हुई थी, जिसमें उन तीनों लोगों की मौत हो गई है। एक और बड़ी खबर आपको दे दे, कोरोना संक्रमण में लॉकडाउन के दौरान सातिर बदमाशों ने जयपुर में किराए का कमरा लेकर नकली नोट छापने की मशीन ही लगा डाली। करीब 15 लाख रुपए भी छाप लिए, लेकिन नोटों को खपाने के दौरान पुलिस की नजरों में आ गए। पुलिस ने जांच करते हुए तीन साथी तो गिरफ्तार कर लिए थे, लेकिन जिसके पास नोट छापने की मशीन थी वह पुलिस को 3 महीने तक गच्चा देता रहा। आखिरकार जयपुर के चौमू सर्किल से सिक्कर की सदर थाना पुलिस ने उसे अब दबोच लिया। मामला काफी गंभीर है। नकली नोट की खेप पुलिस को मिली है, उसके आधार पर 15 लाख रुपए छापना पुलिस मान रही है, जबकि कितने नोट खपा चुके हैं इसका पुलिस को फिलहाल कोई भी अंदाजा नहीं है। पकड़ा गया सातिर मुबारक खान झुंझुनू जिले के टाई गांव का रहने वाला है। इस वक्त की आपको एक और बड़ी खबर दे दे, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का बड़ा आह्वान किया है। शुक्रवार को किसानों ने एक प्रेस वार्ता में कहा है कि गुरुवार की बैठक में किसानों ने केंद्र सरकार से 3 कृषि कानूनों को वापस लेने को कहा है। वहीं आपको बड़ी खबर दे दे, भारतीय किसान यूनियन के महासचिव SH लोखोवाल ने बड़ा ऐलान करते हुए 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। तो यह थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी खबरें। वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।